जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ओल्ड सीताराम डेरा निवासी कार्तिक मुंडा के घर पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने शनिवार को इश्तेहार चिपकाया। शनिवार को पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ कार्तिक मुंडा के आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। कार्तिक मुंडा पर सिद्धगोड़ा थाना में आर्म्स एक्ट समेत दो मामले दर्ज हैं। यह मामला साल 2017 से जुड़ा है। नवंबर 2017 में कार्तिक ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह के घर के बाहर फायरिंग की थी। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने कई बार उसके घर पर छापेमारी भी की, पर वह फरार रहा। पुलिस ने कार्तिक को 30 सितंबर तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पुलिस उसके घर पर कुर्की करेगी। वर्ष 2017 का कांड है। विक्ट का नाम कार्तिक मुंडा, पिता का नाम रतन मुंडा, और जी रतन मुंडा ये पिछले वर्ष 2017 के कांड में फिरार चले आ रहे हैं। उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार अधिपत्र निर्गत हुआ था, जिसे तमिलनाडु दिनांक 9/9 को विधिवत ढंग के आवाज के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से, शासन के सहयोग से तमिलनाडु करवाया गया। क्या क्या मामले थे इसके विरुद्ध? दो तरह के कांड प्रतिबंधित हुए थे। पहला कांड सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 28 नंबर रोड स्थित चंद्रगुप्त सिंह के आवासीय परिसर में गोलीकांड से संबंधित था, और दूसरा अवैध रूप से आर्म्स को रखने के आरोप में इनके विरुद्ध अन्य दूसरे कांड अगले 8-9 दिनों के बाद दिनांक 21-9 को प्रतिबंधित किया। कितने साल से फरार चल रहा है? ये 17/5/23 लमसम 5 वर्षों से ये फरार चल रहे हैं। इनके विरुद्ध थाना के अपना सिद्धगोड़ा थाना के अतिरिक्त कई आसपास के थानों में भी केस दर्ज हैं और फरार चल रहे हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। XT600 HCR TNT Reba। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।